गुड मॉर्निंग। आज हम जो फिजिक्स का टेस्ट होता है कोचिंग में ऑफलाइन, यानी कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी एमपी, जो ऑफलाइन टेस्ट होता है इस कोचिंग में, तो उस पेपर का सलूशन, तो जो ये पेपर जो 17/7/2023 17 जुलाई को जो पेपर हुआ है उस पेपर का सलूशन, तो इसमें ये बता दें जो पेपर है वो फर्स्ट से फिफ्थ चैप्टर तक का है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसमें 6 क्वेश्चन हैं, और उन 6 क्वेश्चन में एक फर्स्ट क्वेश्चन में 5 टू फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हैं, है ना। तो ये आप इसमें से देख सकते हैं, पेपर दिख जाए तो, वैसे हम क्वेश्चन भी लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन भी लिखेंगे, वैसे पेपर यदि आपको दिख जाए तो देख सकते हैं, क्योंकि वो बोर्ड मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, है ना। तो ये तो इस पेपर का सलूशन, पेपर सलूशन, पेपर सलूशन फिजिक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम है ना। ये पेपर जो हुआ है वो कब हुआ है, 17/7/2023 ये, ठीक, कृष्णा ट्यूटोरियल्स सीधी एमपी, ये इस पेपर का सलूशन है ना। पेपर का सलूशन आपको बता दें, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी पेपर भी आप देख सकते हैं, उसमें से आप यूट्यूब में पेपर भी रहेगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें ये लिखा है कि प्रभाव का I लंबाई बराबर 5×6, यानी 5/6×, यानी प्रभावकारी लंबाई बराबर 5/6×, यहाँ पर ये लिखा है। तो ये आपको बता दें, चुंबक में क्या होता है, चुंबक में जो प्रभाव का I लंबाई होती है वो ज्यामिति लंबाई का 5/6× होता है। तो जो प्रभावकारी लंबाई है वो 5/6×, यहाँ ज्यामिति लंबाई होगी, ज्यामिति लंबाई लिख दो चाहे वास्तविक लंबाई, ठीक है ना। ये प्रभावकारी लंबाई बराबर 5/6× ज्यामिति लंबाई। दूसरा क्वेश्चन लिखा है ध्रुव प्रावल्य का CGS मात्रक, ध्रुव प्रावल्य का CGS मात्रक, तो ध्रुव प्रावल्य का जो CGS मात्रक होता है, ध्रुव प्रावल्य का CGS मात्रक, तो ध्रुव प्रावल्य का CGS मात्रक जो होता है वो होता है डाइन पर ओस्टर्ड, ये डाइन पर ओस्टर्ड होता है, या डाइन पर गास भी लिख सकते हैं, या डाइन पर गास, ये ध्रुव प्रावल्य का CGS मात्रक होता है डाइन पर ओस्टर्ड। सी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो हमने बताया है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और डी नंबर में लिखा हुआ है किरचाप का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, यानी किरचाप का द्वितीय नियम लिखा है आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है ये,
जाप का द्वितीय नियम जो है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और लिखा हुआ है द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव का मान होता है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव होता है, तो इसका आंसर होगा शून्य। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता कैसे होता है, तो यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो सिद्ध करके बताया गया है, है ना। यहाँ तो हमको खाली स्थान में लिख देना है, हैं कि आपका द्वितीय नियम का डिटेल में जाना है तो थर्ड चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जो वैसे भी ये पेपर का मतलब होता है कि वहाँ तक आप पढ़े हो तब, है ना। अब ये यदि आप आठवीं क्लास का कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो उसके काम का नहीं है, है ना। इसलिए ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ही ये हो सकता है। और ये पेपर कमी से जो यहाँ तक जो फाइव चैप्टर तक पढ़ा होगा, पढ़ने के लिए YouTube में सब कुछ दिया है, आप प्लेलिस्ट में फर्स्ट से स्टार्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहा इसमें फिर इन दी ब्लैंक्स वाले इतने क्वेश्चन। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन है वो धारा मापी को अमीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरण से है। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड लिखा है एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है, उसमें 0.0 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप होता है। तो उसे 5 एम्पियर परास वाले अमीटर में तथा 5 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे ये प्रश्न है। प्रश्न क्या लिखा है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है और उसमें 0.01 एम्पियर की जब धारा जाती है तो पूर्ण विक्षेप होता है, इसका मतलब उससे ज़्यादा उससे धारा नहीं जा सकती, है ना, उससे ज़्यादा है उससे कम जो भी कहिए, यानी इससे 0.01 एम्पियर तक की धारा से पूर्ण विक्षेप होने लगता है। तो उस धारा मापी से 5 एम्पियर परास वाला मीटर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और 5 वोल्ट परास वाला वोल्ट मीटर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। सुनिए, हमारे पास ये एक धारा मापी है, इसका ये प्रतिरोध कितना है 50 ओम है, इससे जाने वाली धारा 0.01 एम्पियर है, और इससे हमको क्या बनाना है, अमीटर बनाना है, और इसी से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर भी बनाना है। तो हमको ये धारा मापी से क्या बनाना है, अमीटर भी बनाना है और धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना है। जो धारा माप अमीटर बनाएंगे उससे कितनी धारा मापना चाहते हैं, इतना 5 एम्पियर, और जो वोल्ट मीटर बनाएंगे उससे कितना मापना चाहते हैं, तो 5 वोल्ट भी बराबर ये, यानी आपके इस प्रश्न में जी का मान दिया गया है 50 ओम, आई जी का मान दिया है 0.01 एम्पियर, और इससे आप एक अमीटर बनाना चाहते हैं जिसका रेंज 5 एम्पियर हो, तो आई बराबर 5 एम्पियर का अमीटर बनाना है, अभी बराबर 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर। अब इसके लिए प्रतिरोध होता है एस बराबर जी आई जी अपान आई माइनस आई जी, इसके लिए प्रतिरोध आर बराबर होता है वी बटे आई जी माइनस जी। कैसे होता है इसको आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो फोर्थ चैप्टर में कन्वर्जन धारा मापी का मीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ सकते हैं,
डिटेल में। आज हम तो इस प्रश्न का आंसर आके मतलब बताएंगे सोल्यूशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डिटेल के लिए आपको बता दिया कि उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हल में, इसके हल में क्या लिखेंगे, पहला नंबर 5 एम्पियर परास का अमीटर बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ साथ समांतर क्रम में संट यस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब दिया क्या है, जी बराबर 50 ओम, आई जी बराबर कितना दिया है 0.01 एम्पियर, आई बराबर दिया है 5 एम्पियर, यस बराबर ज्ञात करना या संट, यस बराबर सूत्र होता है जी आई जी अपान आई माइनस आई जी, जी का मान कितना दिया है 50, आई जी का मान 0.01, आई का मान 5 0.01। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, पॉइंट चलिए हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 × 1/100 और ये 5 − 1/100, पॉइंट हटा दिया है हमने केवल, तो s बराबर क्या हो जाएगा 50 × 1/100 और ये 500 − 1/100, लघुत्तम ले लिया, ये इससे कैंसिल, तो क्या आया 50/499 0.1 के आसपास कुछ आएगा। ये 5 है और ये यस है ना, तो यानी 5 एम्पियर परास का मीटर यदि हमको बनाना है तो धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में 0.1 एम्पियर का तार जोड़ना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अब 5 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बना देते हैं, तो देखिए दूसरे में 5 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाने के लिए, 5 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर जोड़ना पड़ेगा। जहां आर बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिखे थे वी बटे आई जी माइनस जी, तो भी का मान कितना है 5, आई जी 0.01, ये कितना है 50, तो ये 5/1/100 − 50, ये ऊपर जाके 500 हो जाएगा, अब माइनस 50 450 ओम, यानी धारा मापी के साथ। इसका मतलब हुआ कि यदि इसके साथ आप ये यस बराबर 0.1 जोड़ते हैं तो ये अमीटर बना था, और यदि धारा मापी के साथ है आप आर बराबर 450 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर आय बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया कि नहीं। धारा मापी के साथ यस बराबर इतना ओम जोड़ दिया तो ये बन गया अमीटर, धारा मापी के साथ ये जोड़ दिया तो ये बन गया क्या, वोल्ट मीटर, 5 वोल्ट परास का। ठीक है ना, ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था पेपर का। अब इसमें क्वेश्चन थर्ड है, ये बोल रहा है एक चालक का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3.15 दिया है और वही 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 दिया है, तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करो, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। फिर बाद में ये भी बोल दिया कि 0 डिग्री सी पर प्रतिरोध भी ज्ञात करो, यानी क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं एक चालक तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3.15 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करो, प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करो तथा 0 डिग्री सी पर प्रतिरोध भी ज्ञात करो। ठीक है ना, यानी आपके इस प्रश्न में जानते हैं क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध दिया है ना, 100 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध दिया है, हमें इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए T1। यह देखिए हल में हम ले लेते हैं T1 = 20 डिग्री सेल्सियस, तो R1 = 3.15, ठीक है, और T2 = ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, R2 = वही कितना हो गया 3.75 ओम, और एक है 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 हमको ज्ञात करना है और अल्फा भी ज्ञात करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 ज्ञात करना है और अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक का एक सूत्र, प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र होता है, हम जानते हैं R2 - R1 / R1, ये T2 - T1, चाहे ये ना लगा के ये भी लिख सकते हो कि अल्फा बराबर R2 - R1 ये R1 T2 - R2 T1, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहे ये भी, थोड़ा पॉइंट में अंतर आ सकता है, बस हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, R2 कितना है 3.75, और ये 3.15, और ये 3.15, और ये 100 - 20, ठीक है, ये माइनस कर देंगे 0. कितना आएगा 6, और ये 3.15 × 80, ठीक है, ये 60/350 × 80, इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, इसका अप्रॉक्स में हम आंसर लिखे देते हैं 10⁻⁴ डिग्री सी इनवर्स के आसपास आएगा ये। अब ये कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा। ठीक है ना, ये इसका इससे कैंसिल कर दिया, इसका इससे इंटू करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये प्राक्स ये आएगा, है ना, तो ये इसका, और इससे लगाएंगे तो थोड़ा पॉइंट वाइंट में डिफरेंस हो सकता है ना, ये आंसर हमने जो लिख दिया है तो कैलकुलेशन के बाद लिखा दिया है, चाहे ये आंसर आप इससे ला लो चाहे इससे आ जाए, पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है आपका। अब ये कौन है, हम कैलकुलेशन करिए, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू। अब अभी हमको क्या चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो इसमें क्या होता है, देखिए एक फार्मूला और होता है, इसमें
देखना ऐसा भी होता है आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, ठीक है ना। तो हम टी बराबर 100 वाला ले लेते हैं, टी बराबर 100 पर चलाते हैं। देखिए टी बराबर 100 हम लेते हैं, ठीक है ना। ये आर टी कितना हो जाएगा 3.75, टी बराबर 100 लेकर चलते हैं। और ये और अल्फा की वैल्यू ये आ ही चुका है ना। तो आर जीरो लाएंगे, देखना कैसे आएगा। ये फार्मूला हम ये फार्मूला लगाते हैं, देखिएगा आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। तो आर जीरो इक्वल टू आर टी अपान वन प्लस अल्फा टी। हम आर टी टी कितना ले रहे हैं ये, तो आर टी कितना हो जाएगा 3.75 अपान वन प्लस 2.5 इंटू 10^-4 इंटू ये कितना 100, ठीक है। 3.75 वन प्लस इसका इससे इंटू करेंगे 2.5 इंटू 10^-2 हो जाएगा। ये 200 जीरो इससे निकल गए, तो अब यही क्या बन जाएगा 3.75। अब ये वन प्लस इसको डिवाइड करेंगे 0.025 आएगा, ठीक है। दो डिजिट पॉइंट इधर आ जाएगा, तो एक जीरो लिख दिया। तो ये कितना 3.75 अपान 1.025, 1 3 25, ये 25 3 यानी 3 आएगा, 3 ओम। आर जीरो इक्वल टू ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन तीसरा भी हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ये बोल रहा है कि दो आवेश -10 μC और 5 μC एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर हैं। बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन लिख देते हैं, दो आवेश -10 μC तथा 5 μC एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच कहाँ पर परिणामी विभव शून्य होगा, ये प्रश्न है। कहाँ पर परिणामी विभव शून्य होगा, ये क्वेश्चन है। एक आवेश यहाँ पर है कितना -10 μC और ये कितना है 5 μC, बीच की दूरी कितनी है 9 मीटर, ठीक है। ये बोलता है कि इनके बीच कहाँ पर विभव का मान शून्य होगा। हम माने लेते हैं कि वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, ये p है। तो ये कितना हो जाएगा 9 - x, ठीक है ना। हम माने लेते हैं कि वो बिंदु जो है वो कहाँ है, -10 से x दूरी पर है। और जब -10 से x दूरी पर है तो यहाँ से उसका कितना हो जाएगा, पूरा कितना है 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना होगा 9 - x, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ का विभव एक बार इसके कारण निकाल दें, एक बार यहाँ का विभव इसके कारण, दोनों का योग फल बराबर 0 लेके चले। यानी यहाँ पर प्रश्न बोला है कि यहाँ पर परिणाम कहाँ पर परिणामी विभव शून्य होगा। तो यदि हम यहाँ पर परिणामी विभव शून्य कह रहे हैं
तो इसके द्वारा यहाँ का विभव और प्लस इसके द्वारा यहाँ का विभव का योग फल बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। अब हल करेंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा, ठीक है ना। लिखते हैं, मान लिया वह बिंदु P है जो कि -10 माइक्रोकूलाम से x मीटर की दूरी पर है, तो 5 माइक्रोकूलाम से 9 माइनस एक्स मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। अब -10 माइक्रोकूलाम के कारण P पर विभव प्लस 5 माइक्रोकूलाम के कारण ये P पर विभव बराबर जीरो। 10 माइक्रोकूलाम के कारण P का विभव और 5 माइक्रोकूलाम के कारण P का विभव बराबर जीरो, क्योंकि परिणामी विभव शून्य के लिए बोला है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 -10 बटे एक्स और प्लस 1/4πε0 5/9 -x बराबर जीरो। अब माइक्रोकूलाम को बदलो चाहे ना बदलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/4πε0 5/9 -x ये उधर जाके प्लस, तो 1/4πε0 10/x ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x इक्वल टू 10 9 90 -10x ये इधर आया तो 15x बराबर 90, तो x बराबर 90/15 x बराबर 6 मीटर। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि -10 माइक्रोकूलाम से 6 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो यहाँ से 6 होगा और उधर से कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 5 है, इनके बीच कहाँ रखा जाए, तो मध्य में नहीं कहा गया कि सेंटर पर कहाँ रखा जाए, तो हमने कह दिया यहाँ से x पर रखा जाए। जब यहाँ से x होगा तो वहाँ से 9 माइनस एक्स होगा, यदि कोई उधर से x ले लेगा तो इधर 9 माइनस एक्स होगा, और इस बिंदु का विभव इसके कारण लाओ और इसी बिंदु का विभव इसके कारण लाओ और दोनों का योग फल बराबर जीरो, और हल कर दिए बस, ठीक है ना। ये रहा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में ये दिया है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दिया गया है भी बराबर 5x² - 10x + 2 वोल्ट और x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव भी बराबर 5x² - 10x + 2 वोल्ट ये भी का मान दिया है, ठीक है। तो x बराबर 1 मीटर पर तीव्रता ज्ञात करो, तो एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, सेकंड चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सिद्ध कर दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, E = -dV/dx है ना, चैप्टर सेकंड में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप पा जाएंगे इस फार्मूला को, ठीक है ना। तो आपको V की वैल्यू दिया है और E लाना है तो अवकलन कर देंगे और बाद में x का मान रख देंगे, है ना। तो यही शुरुआत है,
ई बराबर माइनस डी वी अपान डी एक्स, माइनस डी अपान डी एक्स, वी का मान कितना 5x² - 10x + 2। इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी डी अपान डी एक्स सब में कर देते हैं। लीजिए 5x² + d/dx 10x और ये -d/dx 2। अब इसमें क्या करेंगे, 5 बाहर आ जाएगा और ये डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, ये 10 बाहर हुआ, x का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। ये 5 को हमने पहले लिख दिया और x स्क्वायर का डिफरेंशियल अवकलन 2x हुआ, 10 को पहले लिख दिया और ये माइनस माइनस प्लस आय हो गया है। अब क्या हुआ, -10x + 10 ठीक। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अब देखिए देखिए यहाँ पर ये -5x, ये हाँ, x की वैल्यू क्या लिख देते हैं, x की वैल्यू 1 मीटर रखने पर, ठीक है, तो e बराबर -10 × 1 + 10 0, e बराबर 0। अब सवाल, इस सवाल का आंसर तो यही आ रहा है, अब सवाल गलत हो तो अलग बात है ना। अब ये तो है नहीं कि भी जीरो होने पर ई जीरो होता नहीं, ये तो है नहीं कि ई जीरो हो नहीं सकता, भी जीरो ना हो ई जीरो हो सकता है और ई जीरो ना हो भी जीरो भी हो सकता है ना, इम्पॉसिबल तो कह नहीं सकते। यानी आप ये मत सोचिए कि आंसर कैसे गलत हो गए, क्वेश्चन यदि क्वेश्चन ये है तो उसका आंसर ये, ठीक है ना। 5 × 2 = 10 ये ठीक। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि दो आवेशों का योगफल 18 μC है, दो धन आवेश हैं, दो धन आवेशों का योगफल 18 μC है और एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल 72 न्यूटन है। प्रश्न लिखे देते हैं, दो धन आवेशों का योगफल 18 μC है तथा उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर होने पर वे एक दूसरे को 72 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेशों का मान ज्ञात करो, दोनों आवेशों का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दो धन आवेशों का योगफल 18 μC है, एक आवेश Q1 ले लो, एक आवेश Q2 ले लो और ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, 0.1 मीटर पर हैं, 0.1 मीटर पर। तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो कितना है, 72 न्यूटन और Q1 + Q2 बराबर कितना है, 18 μC। यानी आपके सामने प्रश्न में ये आ दिया है, इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है, लगने वाला बल जो है 72 न्यूटन है,
इनका योग फल जो है वो 18 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। तो ये बताना है कि आखिर Q1 Q2 का मान होगा कितना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हाल में ये देखिए Q1 Q2 का मान दिया गया है, और जब यहाँ बल का मान दिया गया है तो बल F बराबर होता है 1/4π ε0 Q1 Q2 / r². अब देखो F का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, इसका मान 9×10^9 होते है, तो Q1 Q2 का मान आ जाएगा Q1 × Q2 का मान। कुल मिला के हमको Q1 + Q2 दिया गया है, और इसकी हेल्प से Q1 × Q2 का मान मिल जाएगा। और जब Q1 + Q2 का मान मालूम हो जाएगा Q1 × Q2 का मान, तो उन दो इक्वेशन की सहायता से हम हल कर लेंगे, है ना। यानी हल में Q1 + Q2 = 18 माइक्रोकूलाम, यानी 18×10^-6 कूलाम, ये रहा Q1 Q2 का मान, ठीक है ना। अब F बराबर 1/4π हम ये जानते हैं 1/4π ε0 Q1 Q2 / r², इसका मान कितना है 72, ये 9×10^9, ये Q1 Q2, और ये 0.21² हो जाएगा। तो Q1 × Q2 = कितना हो जाएगा 72×0.01 हो जाएगा, इसका इंटू कर दिया, और ये 9×10^9 चलेगा, ठीक है। इतना अब ये क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2 = ये 9×8 = 72 8×, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 0.01×10⁻¹⁹, तो ये 8×10^-11 हो गया, ठीक है ना। Q1 × Q2 का ये मान, ठीक, ये किसका मान हो गया, ये कोई समीकरण नंबर रख देते हैं, ये कोई समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और एक ये Q1 + Q2 का मान है, ये Q1 × Q2 का मान है। अब सुनिए, आप इससे Q1 का मान ला के और यहाँ रख दीजिए तो एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। क्या Q1 का मान लाओगे तो इतना बटे Q2, और उसको ले जाके यहाँ रख देंगे तो एक वर्ग समीकरण बनेगा, उसको हल कर देंगे। एक दूसरा तरीका हमारे पास है, हमारे पास Q1 + Q2 है, Q1 × Q2 है, तो एक Q1 − Q2 का फार्मूला एक मान ला लेते हैं। तो एक और समीकरण देखना, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम ये जानते हैं कि Q1 − Q2 = Q1 + Q2 − 4Q1 Q2 ये होता है। तो ये Q1 + Q2 का मान कितना दिया है, 18×10^-6² − 4। Q1 Q2 का मान कितना दिया है, ये 8×10^-11, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे 18×324 होता है जहाँ तक है, और 10^10 ये कितना हो जाएगा 12, और ये 8×32×10^-11, इसको 324×10^-12, इसको 320 कर दें, और ये 10^-12 ये लीजिए, −11 था तो −12 करी तो 320 हो गया। अब क्या करें, 10^-12 ये 324 − 320 कितना आया, 4×10^-12 Q1 − Q2 का होल स्क्वायर, ठीक, Q1 − Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो Q1 − Q2 लाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट
चार गुणे दस की घात माइनस बारह, ठीक दिख रहा है कि नहीं। अब तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर दो गुणे दस की घात माइनस छः, चार का वर्गमूल दो और दस की घात माइनस बारह का दस की घात माइनस छः, ये हो गया समीकरण नंबर तीन। और अब है इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा मान किसका, Q1 का, और फिर जब आ जाए Q1 का या Q2 का, किसी का एक का आ जाएगा, फिर दूसरे को रख देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं समीकरण, समीकरण एक और, समीकरण एक और तीन को जोड़ने पर समीकरण एक धन तीन से, तो देखना Q1 प्लस Q2 18 गुणे दस घात माइनस छः, और ये Q1 माइनस Q2, और ये दो गुणे दस घात माइनस छः, ठीक है, जोड़ रहे हैं ये इसे कैंसिल, 2Q1 बराबर कितना 20 गुणे दस घात माइनस छः, Q1 बराबर 10 गुणे दस घात माइनस छः, और ये किस में आया कूलाम में, तो Q1 इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम लीजिए, Q1 का मान 10 माइक्रो कूलाम, कूलाम में ये है, माइक्रो कूलाम में ये हो जाएगा। अब वैसे भी अब बताओ जब Q1 10 माइक्रो कूलाम है, दोनों का 18 है, तो क्या होगा, इसको यहाँ रख देते हैं मान लो, तो 10 प्लस Q2 बराबर 18, तो Q2 बराबर कितना 8 है ना आएगा, ये लीजिए, यानी Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर 8 माइक्रो कूलाम, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना, क्या किया था हमने, यहाँ ये दोनों के बीच बल दिया है 72 न्यूटन, तो उससे Q1 Q2 मिल गया, और Q1 Q2 का गुणा और Q1 प्लस Q2 दिया था, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये रहा इस प्रकार से, इस कोचिंग में आपको बता दें ऑफलाइन टेस्ट होता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सभी पेपर होते हैं, उस सभी पेपर का आपको सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे ऑफलाइन तो यहाँ आके पढ़ नहीं सकते, तो उनको यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी आप उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, क्या आज कब पेपर का सलूशन आया, कब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया, कौन क्वेश्चन कब पढ़ाया जाता है, उसका वीडियो कब कहाँ कैसे आएगा, तो वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।